एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आप सभी को पता है कि आज है हमारा 99 पोर्टल। तो 99 पोर्टल खुल रहा है, तो देखने जा रहे हैं कि इस 99 पोर्टल के खुलने पर क्या आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं उनकी एनर्जीज पर, उनकी सोच पर, उनकी फीलिंग्स के ऊपर कोई गहरा असर पड़ा है, कुछ बदलाव आया है या नहीं आया है, या इस 99 पोर्टल के दौरान इस पर्सन की तरफ से आपके पास कोई जेस्चर, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज, कोई एक्शंस आता है या नहीं आता है, तो वो चीज़ें देखेंगे। ठीक है, आपको बस फोकस बनाए रखना है अपनी पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें उस यूनिवर्स को, डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वर्सा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी, हिंदी टैरो डेक 222@gmail.com, तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। पहले देख रहे हैं कि क्या एनर्जीज है इस 99 पोर्टल के खुलने पर इस पर्सन की। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए, बताइए 99 पोर्टल के खुलने पे क्या असर पड़ा है व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, इनके इमोशंस पर। चैरियट, पहले मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। चैरियट आया है यहाँ पे, पेज ऑफ सोर्स आया है, द वर्ल्ड, पेज ऑफ कप्स। गाइड कीजिए, बताइए इस 99 पोर्टल के खुलने पर इस पर्सन की फीलिंग्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, गाइड कीजिए, बताइए डेथ, गाइड कीजिए, बताइए इस 99 पोर्टल के खुलने का क्या असर पड़ा इस पर्सन की फीलिंग्स पर। फोर ऑफ सोर्स, द मैजिशियन, गाइड कीजिए, बताइए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, गाइड कीजिए, बताइए एस ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए यहाँ पर जो मेजरली एनर्जीज हैं वो है आपकी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। मेजरली यहाँ पर यही एनर्जीज हैं। उसके अलग ये आपकी जेमिनी की एनर्जी, ये आपकी सजिटेरियस की एनर्जी, ये आपकी स्कॉर्पियो की एनर्जी और वो आपकी कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। मुझे पॉसिबिलिटी ये दिख रही है कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, आप लोगों के बीच में एज गैप है। चाहे ये पर्सन आपसे छोटे हो या आप इनसे छोटे हो, बट मैच्योरिटी लेवल पे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे कम दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जहाँ पर भी मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर ये पर्सन इमैच्योरिटी से काम करते हैं, इनकी सोच का दायरा बहुत कम हो जाता है, वो चीज़ें दिख रही हैं। एनीवेज, हमारा सवाल है कि इस 99 पोर्टल के दौरान कैसी रहने वाली है इस पर्सन की फीलिंग्स, इनके इमोशंस, क्या कुछ बदलाव आएगा इनकी फीलिंग्स के ऊपर, इनके इमोशंस के ऊपर। देखिए बेसिकली मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप जिस पर्सन को ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं ना, इन्होंने काफ़ी वक्त ले लिया है सोचने के लिए, समझने के लिए, चीज़ों को इवैल्यूएट करने के लिए, चीज़ों को उनके हिसाब से बढ़ने के लिए, समय देने के लिए। लेकिन मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि 99 पोर्टल के खुलने पर ये पर्सन एक ऐसी सोच में रहेंगे कि अब समय है मेहनत करने का, अब समय है मूव करने का, उन चीज़ों को ख़त्म करने का जिनका अब कोई फ्यूचर नहीं रहा, जिनका अब कोई अस्तित्व नहीं रहा है, और उन चीज़ों में नई शुरुआत करने का जिसको लेकर इनका फ्यूचर बेहतर हो सकता है। तो एक ऐसी एनर्जी इनकी रहने वाली है, ये इस एनर्जी में रहेंगे कि अब ये वेट नहीं करना चाहेंगे, अब ये मूव करना चाहेंगे, बढ़ना चाहेंगे। जो भी हालात इनकी लाइफ में इस वक्त में चल रहे हैं उन्हें बदलें, किसी चीज़ को
ख़त्म करें पूरी तरह से और किसी चीज़ में अब नई शुरुआत करें। पुरानी चीज़ों को पुराने ही लेवल पर वहीं पर ख़त्म करके उनसे मुक्ति पाकर अपने जीवन में एक नई शुरुआत करें, तो वो एनर्जीज इनकी रहेगी। यानी कि अगर आपके पर्सन काफ़ी लंबे समय से इस एनर्जी में थे विद दिस फोर ऑफ सोर्स कार्ड, एकदम शांत थे, मन में सुकून नहीं था, बहुत हलचल थी, कहीं पर भी इन्हें सुकून शांति नहीं मिल पा रही थी, रातों को ये सो नहीं पा रहे थे, कोई अजीब सा दर्द, अजीब सी घुटन, अजीब सी घबराहट अगर इनके मन में काफ़ी लंबे समय से थी, तो ये उस एनर्जी में रहने वाले हैं कि बस अब ये इस एनर्जी को, इस सोच को, इन हालातों को ख़त्म करेंगे। इनके मन में इस तरह की चीज़ें चलेंगी कि मेरा बहुत कठिन वक्त गुजर चुका है और अब मैं इस वक्त को आगे लेकर और नहीं चलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं इस बोझ को, इस भार को यहीं पर उतार कर अपनी ज़िंदगी में मेहनत करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो चीज़ें इनके मन में रहेंगी। यानी कि कुछ कर गुजरने वाली एनर्जी, मेहनत करना, एक्शंस लेना, तो वो इनकी सोच रहेगी। अभी इस एनर्जी में बैठे रहना नहीं चाहेंगे, किसी भी तरह का इवैल्यूएशन नहीं करना चाहेंगे, अब करना है तो मेहनत करनी है बजाय वेट करने के, तो वो इनकी एनर्जीज रहेगी, वो सोच इनकी रहेगी, उस तरह से डेवलप होते हुए इनकी सोच दिख रही है। एज एन एक ऐसी एनर्जी है, पहली चीज़ तो ये दिख रहा है कि जैसे ये पर्सन ना बहुत लंबा समय इन्होंने ले लिया अपने आप को सर्च करने को लेकर, आपके बारे में खबर जानकारी देखने को लेकर, या बहुत वक्त हो गया इन्हें चुनौतियों को फेस करते करते इस तरह की, जिसमें ये रातों को सो नहीं पा रहे हैं, सुकून नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। लेकिन अब ये पर्सन ये चाहेंगे कि मैं इससे भी आगे अपनी सोच का दायरा बढ़ाऊँ, तो वो इनकी एनर्जी रहेगी, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में एक उड़ान भर सकूँ, अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर सकूं, अपनी तरफ कुछ पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकूं, तो वो इनके साथ होने वाला है। यानी कि ये पर्सन ना एक ऐसी एनर्जी में होंगे कि ये अपनी इमोशंस को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना चाहेंगे, अपनी एनर्जी को ना उस जगह पर यूज़ करेंगे जहाँ पर इन्हें अल्टीमेटली बेनिफिट होगा, जहाँ पर इन्हें अल्टीमेटली कुछ सही चीज़ें मिलेंगी, जहाँ पर ये अपनी ज़िंदगी के भाग्य में जो चीज़ें मिट गई हैं उसे वापस से ये लेकर आ सकेंगे, तो वो एनर्जी दिख रही है। यानी कि आपका साथ या आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसको वापस से अपने भाग्य में लिखने के लिए मेहनत करने वाली एनर्जी, एक अजीब सी एनर्जी ने फील होगी। विद दिस एस ऑफ कप्स कार्ड डेफिनेटली ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में रहेंगे कि इन्हें एक नई शुरुआत करनी है अपनी लव लाइफ में, इन्हें नई ब्रांड न्यू बिगनिंग करनी है अपनी लव लाइफ में, इन्हें इमोशंस को जाहिर करना है। बहुत वक्त हो गया अपने इमोशंस को दबाए हुए, बहुत वक्त हो गया यूँ अकेले बैठे हुए, चीज़ों को बस खोते आ रहे हैं ये काफ़ी लंबे समय से, लेकिन अब एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे अब ये और कुछ नहीं खोना चाहते, अब ये जो चीज़ें इन्होंने खो दी हैं उन्हें वापस से मेहनत करके अपनी तरफ लेकर आना है, नई शुरुआत करनी है इन्हें, तो वो सोच, वो एनर्जीज इनकी यहाँ पर दिख रही है इस 99 पोर्टल के खुलने के दौरान, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज, इस तरह की सोच इनकी डेवलप होगी अपने आप से। चलिए देखते हैं क्या इस 99 पोर्टल के खुलने पर इस पर्सन का आपके पास कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज, कोई जेस्चर आता है या नहीं आता है, आता है तो किस वे में आता है, गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन का एक्शन दीजिए और बताइए क्या कोई एक्शंस लेंगे इस मामले में रिसेंटली, क्या इनकी तरफ से कोई जेस्चर, कोई एक्शन आएगा इस 99 पोर्टल के दौरान। द हेरोफेंट, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स के इस 99 पोर्टल के दौरान इस पर्सन का कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज, कोई जेस्चर आता है या नहीं। यूनिवर्स गाइड कीजिए कि इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन आएगा या नहीं। स्ट्रेंथ एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है 6 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पर एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि भी हो गया है, तो अगर आपकी एनर्जी यहाँ पर नहीं आई है तो ओवरऑल सभी एनर्जीज हो गई हैं। देखिए बेहद ज़्यादा मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि इस 99 पोर्टल का इफेक्ट इस पर्सन की फीलिंग्स के ऊपर, इनके
इमोशंस के ऊपर बेहद ज़्यादा रहने वाला है, और एक ऐसी एनर्जी इनकी रहने वाली है या एक ऐसी सोच इनकी डेवलप होते हुए मुझे दिखाई दे रही है जिसमें ये पर्सन डेफिनेटली मूव करना चाहते हैं ताकि चीज़ें इनकी सही हो सकें। ये डेफिनेटली काम करना चाहते हैं उन लोगों के साथ या उन लोगों के साथ के रिश्ते में जिसे इन्होंने कभी एक वक्त में बीते पलों में ख़राब कर दिया था। एक पास्ट की एनर्जी दिखाती है जो ये बता रहा है कि इस 99 पोर्टल के खुलते ही ये पर्सन एक ऐसी एनर्जीज में एक ऐसी सोच में रहेंगे जिसमें इन्होंने पास्ट में जितने भी रिश्ते ख़राब करे हैं, जितने भी रिश्तों का इन्होंने डेथ करा है, अंत कर दिया है, उन्हें वापस से ये नए सिरे से स्टार्ट करें। चाहे फिर वो अंत करने की वजह कोई भी कैसे भी क्यों ना हो, एज एन जैसे कि ट्रेडिशंस, कास्ट, परंपराओं की वजह से, बड़े लोगों की वजह से, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से, अगर इन्होंने पास्ट में आपके साथ या किसी और के साथ भी कोई रिश्ता ख़त्म कराया ना, तो ये उसे वापस से रिबर्थ करेंगे। उस एनर्जीज में, उस सोच में ये पर्सन डेफिनेटली रहेंगे। एक्शंस के लिए यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें पॉसिबिलिटी काफ़ी लोगों के केस में दिख रही है कि आपके पर्सन ना, जो भी अभी तक इनके पास्ट में मन मुटाव चल रहे हैं, उन्हें नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। उसमें जो भी उलझने आई हैं ना, उन्हें सुलझाएंगे, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पारिवारिक इश्यूज आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा हैं, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, लेकिन पारिवारिक इश्यूज बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। और इस 99 पोर्टल के खुलते ही ये पर्सन एक ऐसी एनर्जीज में रहेंगे जिसमें ये पारिवारिक इश्यूज को सॉल्व करने के लिए ही बेहद ज़्यादा पैशनेट रहेंगे। पास्ट में जो भी इन्होंने इन इश्यूज को सॉल्व नहीं करा, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से या मूवमेंट की वजह से अपने आप को चुप रखा, तो डेफिनेटली ये पर्सन उन चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा जुनून भरे रहेंगे, और इसी जुनून के चलते ये पास्ट के रिश्तों को, पास्ट में जो भी छोड़कर आए हैं, उन्हें सही करेंगे। मुझे यहाँ पर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है कि इस पर्सन का आपकी तरफ कॉल, टेक्स्ट या मैसेज आ सकता है, इनकी तरफ से कोई मूवमेंट आपकी तरफ डेफिनेटली आ सकता है जिसे लेने के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा साहस की ज़रूरत पड़ी होगी, ये यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है कि कुछ लोगों के केस में ये पर्सन आपको कॉल, टेक्स्ट या मैसेज करें, क्योंकि देखिए कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो ऑब्वियसली हर किसी के लिए हो पाना मुश्किल है, लेकिन जितना आप कनेक्ट कर पा रहे हैं इन चीज़ों को, उतना ही पॉसिबिलिटी भी है। काफ़ी लोगों के केस में यहाँ पर दिख रहा है कि 8 घंटों के अंदर अंदर इस पर्सन का जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है, इनका कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज या इनकी तरफ से कोई मैसेज आपकी तरफ आ सकता है, चाहे माध्यम कोई भी क्यों ना हो, कोई बड़ा बुजुर्ग ही क्यों ना हो, लेकिन 8 घंटे के अंदर अंदर काफ़ी लोगों के पर्सन की तरफ से मुझे एक एक्शंस आते हुए दिख रहा है जिससे कि चीज़ें सॉल्व आउट हो जाए। ठीक है, चलिए, ये तो रहा कि ये पर्सन के आने की पॉसिबिलिटी दिख रही है काफ़ी लोगों के केस में, 8 घंटे, और काफ़ी लोगों के केस में यहाँ पर 8 दिन के अंदर अंदर भी इस पर्सन के आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो ऑब्वियसली समय भी अलग अलग होगा, सिचुएशन भी अलग अलग होगी। चलिए देखते हैं इनका जो आने कि ये जो एक्शंस दिखाई दे रहा है उसमें अल्टीमेटली इनका क्या फैसला होगा। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, क्या फैसला होगा अल्टीमेटली इस पर्सन का। 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी साइड से इस रिश्ते को दिया जा रहा है, चाहे वो प्यार हो, टाइम हो, रेस्पेक्ट हो, यानी कि जो भी संघर्ष करे जा रहे हैं वो आपकी साइड से करे जा रहे हैं, तो बेसिकली ये पर्सन एक ऐसी एनर्जीज में आते हुए दिख रहे हैं जिसमें ये बैलेंस देंगे। तो ये जो भी इनकी तरफ से आने का डिसीजन होगा या जो भी इनकी तरफ से आने का अल्टीमेटली फैसला होगा ना, वो एक ऐसा फैसला होगा जिसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, जिसमें ये भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। अभी तक अगर इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा या नहीं करना चाह रहे थे, तो अब ये कॉम्प्रोमाइज़ करने की एनर्जीज में इनका फैसला होगा, तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। और देखते हैं किस तरह का फैसला होगा इनका, गाइड कीजिए बताइए। 6 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली इस पर्सन के मन में जो बहुत लंबे समय से शोर चल रहा था, बहुत ज़्यादा हंगामा इनके मन में, इनके दिल में काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, इस कम्युनिकेशन के बाद ना वो शोर, वो
शोर शांत होता हुआ दिख रहा है, तो डेफिनेटली ये कॉम्प्रोमाइज़ करके भी एक ऐसी एनर्जी में नहीं रहेंगे जिसमें ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं या आप पर कोई चीज़ थोप रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। यानी कि उस डिसीज़न से, उस फैसले से आप दोनों ही संतुष्ट रहने वाले हो, दोनों के मन को ठंडक पहुँचने वाली है। व्यूअर्स के पर्सन का फैसला बताइए, यूनिवर्स गाइड कीजिए। बताइए 10 ऑफ कप्स, तो देखिए अगेन 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्सन अब जो भी फैसला लेंगे वो लॉन्ग स्टेबिलिटी के लिए ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि अब ये फैसला लिया फिर चले गए एंड ऑल, तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दी है। तो काफ़ी लोगों के केस में इस पर्सन के वापसी की वाइब्रेशंस यहाँ पर अच्छी खासी दिखाई दे रही है। यहाँ पर आया है आपका 9 ऑफ सोर्ड्स लेकिन रिवर्स्ड में, यानी कि अब ये पर्सन सारे कष्टों को जो बहुत लंबे समय से लेकर बैठे थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे, बेकार में डर रहे थे, चीज़ों को और ख़राब कर रहे थे, अब ये पर्सन उन चीज़ों को पूरी तरह से रिवर्स में पहुँचाना चाहते हैं। यानी कि ये सारे स्ट्रेस को क्लियर करने वाली एनर्जीज़ में ही इनका फैसला होगा, आपके हक में होगा तो इनके भी हक में होगा, ये एनर्जीज़ मुझे बहुत क्लियरली दिख रही है। एक और कार्ड देख लेते हैं, वैसे काफी चीजें ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। देखिए यहाँ पे आया है द सन, अपराइट में आया है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है जो भी फैसला इनका होगा ना वो अल्टीमेटली आप दोनों की खुशियों को ही डिसाइड करेगा, तो ये एनर्जी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, हेल्दी शुरुआत यहाँ पर काफ़ी लोगों के केस में होगी, ये एनर्जीज काफ़ी क्लियरली यहाँ पर दिख रही है। चलिए देख लेते हैं इनके मैसेजेस कहना क्या चाहते हैं ये, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। इस पर्सन के मैसेजेस दीजिए, किस तरह के मैसेजेस होंगे इनके, गाइड कीजिए बताइए। यू आर परफेक्ट फॉर मी, तो ये पर्सन आपको ये कहने आ रहे हैं, इनका कम्युनिकेशन इस तरह से आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है कि आप इनके लिए परफेक्ट हैं, आप इनके परिवार हैं, आप इनके घर हैं, नथिंग एल्स मैटर बट यू, आपसे ये कहेंगे कि मेरे लिए अब कुछ और मैटर नहीं करता सिवाय तुम्हारे साथ के। आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी, तो ये आपसे ये कहेंगे कि मैं अब महसूस कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं मेरे से, वो सब चीज़ों को मैं अब फील कर पाता हूँ या पाती हूँ, तो ये आपसे ये कहेंगे। आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू, तो मैंने आपको बोला, पारिवारिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं और पॉसिबिलिटी है आपसे ये यही कहेंगे कि मैंने अब अपनी फैमिली से बात कर ली है, डिस्कस कर लिया है और अब हम सब चीज़ें सही कर लेंगे साथ मिलकर। इट डज़ नॉट फील राइट बींग अपार्ट फ्रॉम यू, आपसे कहेंगे कि जितने भी वक्त आप लोग दूर रहे हैं वो चीज़ें इन्हें पसंद नहीं आई, वो चीज़ें इन्हें बहुत परेशान करती थी और ये दूरियाँ अब ये ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये आपसे ये कहेंगे। I always knew you were my other half, तो ये आपसे ये कहेंगे कि मैं तो हमेशा जानता था या जानती थी कि तुम ही मेरे अदर हाफ हो। बेसिकली मुझे काफ़ी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन की वापसी की यहाँ पर एनर्जीज वाइब्रेशंस मुझे फील हो रही है, ठीक है। 8 घंटे से लेकर 8 दिन के अंदर अंदर काफ़ी लोगों के पर्सन की वापसी की यहाँ पर वाइब्रेशंस मुझे फील हुई है आज की इस रीडिंग में, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं आप अपने आप को इस रीडिंग से, तो बताइएगा ज़रूर और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय बाय।